जैसा कि आप सभी को पता है, बीरबल एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। अच्छे इंसान के साथ साथ वो एक बड़े दानवीर भी थे। वो इनाम में जितना पैसा जीतते थे, ज्यादातर पैसा वो गरीबों को दान में दिया करते थे, बल्कि अपने संपत्ति से भी उन्होंने कई पैसा गरीबों में बांट दिया। लेकिन इसके साथ साथ बीरबल ये चीज का ध्यान रखते थे कि उनका जो पैसा है वो किसी दिखावेबाज या फिर किसी धोखेबाज के पास ना चले जाए, और ये सारी बातें महाराजा अकबर को पता था। तो एक बार की बात है, जब महाराजा अकबर सोचते हैं क्या सच में बीरबल का जो पैसा है वो सही लोगों के हाथ में जाता है या बीरबल को भी कोई मूर्ख बना जाता है। बस इसी कारण से वो दरबार में जाते हैं और एक सैनिक को बोलते हैं कि तुम अपना रूप बदलो और बीरबल के पास जाके भीख मांगो। अगर वो तुमको भीख देता है तो मुझे ये समझ आ जाएगा कि बीरबल को बहुत लोग मूर्ख बना चुके हैं और उसको इनाम में मिलने वाला पैसा गलत लोगों के हाथ में जा रहा है। तो अकबर के कहे अनुसार वह सैनिक बीरबल को ढूंढते हुए एक मंदिर के सामने पहुंचता है। बीरबल सुबह सुबह नहा धो के उस मंदिर में पूजा करके बाहर की तरफ आते रहता है। तभी वह सैनिक अपना रूप बदल के एक गरीब के रूप में बीरबल के समीप जाता है और जाके बोलता है, महाराज कृपया मुझे कुछ पैसा दे, मैं पिछले 8 दिन से भूखा हूँ, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी हैं जो घर पे 8 दिन से भूखे पड़े हैं, तो कृपया मुझे आप कुछ पैसा दीजिए। तो बीरबल ऊपर से नीचे उस भिखारी को देखता है और मनी मन कुछ सोचते रहता है, और थोड़े टाइम वो सोचने के बाद उस गरीब भिखारी को बोलता है, ठीक है तो मेरे साथ मेरे घर तक चलो, मेरे घर में बहुत सारे पैसे रखे है जिसमें से आधा मैं तुमको दे दूंगा। ये बोल के वो उस गरीब को अपने साथ लेके जाता है। तभी रास्ते में एक नदी पड़ती है, वह नदी कंकड़ के ऊपर से होते हुए जाती है। तो बीरबल अपने चप्पल खोलते हैं और उस नदी को पार करने लगते हैं। तभी वह गरीब भी चप्पल को खोलता है और कंकड़ के नदी को पार करने लगता है। तभी उसके मुख में अजीब सी बेचैनी रहती है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसको दर्द हो रहा है, जिससे बीरबल ये समझ जाते हैं कि इसके जो पैर है वो बहुत कोमल है, ये सच में कोई गरीब हो ही नहीं सकता। और इसके बाद क्या था, बीरबल उसको एक लंबे रास्ते से अपने घर की तरफ लेके जाता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप रहता है। धीरे धीरे वो गरीब का चेहरा सूखता चला जाता है और एक समय के बाद वह भिखारी गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होके बीरबल के ऊपर भड़क जाता है कि तुमको दान नहीं देना है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तब बीरबल बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ क्योंकि तुम कोई गरीब नहीं हो, अगर मैं तुम्हें दान दूंगा तो मैं भी पापी बन जाऊंगा। ये बोल के बीरबल वहाँ से सीधे अपने घर के तरफ चले जाते हैं और वह सैनिक भी महाराज के पास आके पूरा किस्सा बताते हैं। और इसके बाद क्या था, अगले ही दिन जब सुबह सुबह बीरबल दरबार में आते हैं तो अकबर उनको बोलते हैं कि तुमने एक गरीब को दान नहीं दिया बल्कि उसको तुमने भगा दिया, और वह गरीब मेरे पास शिकायत लेके आया है जिससे तुमको सजा मिले। तो ये सुन के बीरबल मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के बोलते हैं, अच्छा महाराज तो आप ही ने उसको भेजा था। तो इस पे बीरबल भी हंस पड़ते हैं और बोलते हैं, आखिर तुमको कैसे पता चला कि वो गरीब नहीं एक ढोंगी है। तो इस पे बीरबल बोलते हैं, महाराज मैंने मंदिर में ही उसके पैरों को देखा था और मैंने देखा कि उसने बहुत ही महंगे से चप्पल पहने हुए है, लेकिन मैं सोचा हो सकता है ये चप्पल उसे दान में मिले हो, इसलिए तब मैं उसको पैसे या सोने के सिक्के नहीं दिए, उसको मैंने बोला कि तुम मेरे साथ चलो। अब मुझे ये देखना था कि क्या वो खाली पैर चल सकता है, क्योंकि एक गरीब आदमी मीलों दूर खाली पैर चल सकता है। लेकिन जब वो नदी के अंदर से आ रहा था तो उसको दर्द महसूस हो रहा था, जिससे मुझे ये समझ आ गया कि असल में ये गरीब नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत समझ रहा हूँ, इसलिए उस गरीब आदमी को मैंने करीब धूप कड़ी धूप में घुमाया, जिससे मुझे ये पता चले कि वो भूखा है या नहीं। अगर वो भूखा होता तो वो जा ही नहीं पाता, लेकिन वो मेरे साथ कई दूर तक गया, जिससे मुझे ये भी समझ आ गया कि वो भूखा नहीं है। और एक भूखा आदमी खाने के लिए रो सकता है, कभी गुस्सा नहीं कर सकता, जिससे मुझे ये समझ आ गया कि ये कोई गरीब नहीं है, ये एक धोखेबाज है और इसीलिए मैंने इसको दान नहीं दिया। ये सुन के अकबर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, मेरे तरफ से 1000 सोने के सिक्के तुम अपने पास रखो और जो सही में गरीब है उसको दान में दे दो। दोस्तों ऐसी कहानी के अपडेट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहाँ से हमारे ग्रुप में आप जुड़ सकते हो।